नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल बताया था, बिल्कुल वैसा हुआ। एंड्रॉयड एमा के ऊपर कॉल और कॉल बिल्कुल कामयाब रही, हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रुपये पर। तो रुपया, जैसे ही कहा है कि आपने इसके नीचे सेल ही करना है, तो सेल कीजिए, इसके नीचे सेलिंग की तरफ जाइए, सेल कीजिए यहाँ पे, और ये रखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस। ये क्या है, 82 का रखो SL, और नीचे आपको मिलना चाहिए 81.77, 81.73। तो ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो रुपया लगातार मजबूत होता जा रहा है। कारण क्या है कि डॉलर इंडेक्स कमज़ोर पड़ रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स पर। तो सबसे पहले आते हैं HDFC। देखिए 2689 के ऊपर उसने काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। आप देख रहे होंगे, ये देखिए 2689 पर बार बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो इस लेवल को इसने क्रॉस कर दिया, एक अच्छा ब्रेकआउट। जो इसके ऊपर के रेजिस्टेंस है 2719-2770 के निकल के आते हैं। सेकंड जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देखिए, इसने भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट 2562 के ऊपर दिया है। 2562 पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब इस ये ऊपर के चैनल पे निकला है, तो अब 2611-667-27515, ये ऊपर के रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है HDFC भी HDFC बैंक की तरह 1642 के ऊपर निकल गया है, और 1669-1703 एक बुलिश पैटर्न बना रहा है। इसके ऊपर के रेजिस्टेंस 1700 तक के निकल के आते हैं। उससे अगला स्टॉक है HDFC AMC। ये भी देखिए ये HDFC का पूरा पेयर ही अच्छा भाग रहा है। तो इसने भी 1690 से बार बार सपोर्ट लेकर एक अच्छी कैंडल आज बनाई है। तो लग रहा है कि 1830 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पर शर्त ये है कि 1690 के ऊपर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है डॉक्टर रेड्डी ने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है, मतलब ऑल टाइम हाई पे चले गया है। 4613 के ऊपर जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, जो ऊपर के रेजिस्टेंस निकल के आते हैं हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग 4735, 841, 910 तक के रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो ये थे स्टॉक 4-5 जो मुझे लगे कि चार्ट पे स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने आपको बता दिए। तो आइए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पर, कि अब हमने फिन निफ्टी पे क्या करना है। देखिए, जैसे कि आज 100 MA के डिप को हमने बाय किया, वैसे ही कल भी हमने 100 MA के डिप को ही बाय करना है, 18100 की कॉल। और अगर यहाँ तक भी डिप आता है फिर भी कॉल ही बाय करनी है। नीचे 18100 का SL रखना है। SL काफ़ी दूर निकल गया आता है, क्योंकि 2-3 मूविंग एवरेजेस यहाँ भी है। तो इसके साथ आपने बाय करना है। टारगेट रहेगा 18319 और 385। अब सवाल उठता है कि ये तो था कि आज इसने टारगेट हिट भी किया, तो कल कहाँ बाय करना चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 18436 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आता है। अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए 18436, यहाँ पे बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो जब 18436 के ऊपर 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होती हैं, तो आपने 18300 की कॉल बाय करनी है। नीचे स्टॉप लॉस रखना है जो आज का क्लोजिंग है 18370, जो आज का क्लोज हुआ है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर टारगेट 18512, और उसके अलावा ऊपर के टारगेट जो रहेंगे 18574 और 670। यहाँ पर भी एक बार आपने, क्योंकि यहाँ पे 100 MA, तो 18700 की पुट बाय करनी है, जो 15-20 पॉइंट मिले प्रॉफिट लेना। उसके बाद इसके ऊपर निकले तो फिर से कॉल बाय करनी है 18500 की, और ऊपर फिर से 18670। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देखिए बार बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी आपने 18700 की पुट बाय करनी है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 5-5 मिनट की 3 कैंडल, ये होगा आपका SL। तो ये था पूरा लेखा जोखा कल फिन निफ्टी में, आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कॉल और पुट को बाय करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।